हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्वकलर प्लाजो जिसे मैंने सिर्फ दो मीटर कपड़े में बनाए हैं आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए। सो नाउ लेट्स गिल स्टार्ट तो सबसे पहले हम यहाँ कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है मैंने इसे हाफ़ में फ़ोल्ड कर लिया है उसके बाद आप हाइट ले लीजिए आपकी जितनी भी हाइट रहेगी आपको दो उसमें ऐड कर लेना होगा ऊपर बेल्ट के लिए फोल्डने के लिए फोल्ड करने के लिए बेल्ट के लिए और एक इंच और लेना होगा जो नीचे आपको फोल्ड करना होगा रॉयज़ इसके लिए तो इस हिसाब से मैंने थर्टी सेवन हाइट लिया है तो ये थर्टी सेवन हाइट मेरा पूरा आ जाएगा मेरे दो मीटर कपड़े में अगर आपका कम आता है या ज़्यादा आता है तो अपने हिसाब से आप कपड़ा जब फोल्ड करेंगे उसके बाद हाइट मेजर कर लीजिए

स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है इसी हिसाब से मैंने आप देखेंगे मैंने दोनों तरफ लिया है एक ऊपर और एक इस तरफ नीचे और दोनों को हम इस तरीके से स्लांट वे में जोड़ लेंगे तो आप देख रहे जोड़ने के बाद आप इसे कट कर लीजिए कट करने के बाद आप दोनों ही पलरे को इस तरीके से प्लेस करिए जो सीधा वाला पार्ट रहेगा उसे सीधे वाले पे ही रखिए और जो क्रॉस वाला पार्ट रहेगा उसे क्रॉस वाले पे ही रखिए इस तरीके से आपको इसे प्लेस कर लेना होगा उसके बाद आपको अपना क्रॉच का मेज़रमेंट लेना होगा तो आपकी जितनी भी हिप्स की गोलाई है उसका फॉर्मूला यह है आपकी जितनी भी हिप्स की गोलाई है आपको चार से डिवाइड करना होगा प्लस टू उसमें ऐड करना होगा मेरा आता है इलेवन मैं दो इंच ऊपर बेल्ट के लिए लिया है तो इस हिसाब से मैंने थर्टीन इंच पर एक पॉइंट मार्क किया है फिर वहाँ से हमने वन एंड हाफ इंच पर एक और पॉइंट मार्क किया है और ये पॉइंट को हम ऊपर से जोड़ लेंगे स्लांट वे में तो आप देख रहे इस तरीके से हमें तिरछा जोड़ना होगा स्ट्रेट नहीं हमें तिरछा लेना होगा इस तरीके से लेने के बाद अंदर से एक कर्व शेप दे देना होगा और ये हमें कट कर लेना होगा ये वाला पार्ट कट करते समय आप ध्यान दीजिए ऊपर आपको एक फोल्डेड पार्ट मिलेगा उसे भी आपको कट कर लेना होगा देख रहे हमने यहाँ कट कर लिया है नीचे की तरफ भी आपको एक फोल्डेड पार्ट मिलेगा उसे भी आपको कट कर लेना होगा तो हमने यहाँ कट कर लिया है कट करने के बाद आपको नीचे हल्का सा घुमाव देना होगा जिसके लिए हमने इस तरीके से हल्का सा मार्किंग दे कर लेंगे कर्व शेप में मार्क करने के बाद इसे भी आपको कट कर लेना होगा तो हमने यहाँ कटिंग कर लिया है तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरी कटिंग हो चुकी है अब हम यहाँ स्टिचिंग करेंगे तो आप देख रहेंगे मुझे चार पलरा रिसीव हुआ है हम दो पलरे को लेंगे दो पलरे को लेते हुए हम उसके क्रॉस एरिया को सी लेंगे इसी तरीके से हम दोनों पलरे को क्रॉस एरिया को सी लेंगे दूसरे वाले को भी दोनों पलरे को लेंगे और उसके सिर्फ क्रॉस एरिया को सी लेंगे तो यहाँ हमने क्रॉस एरिया सी लिया है क्रॉस एरिया सीने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद आपने दूसरा वाला भी मैंने दोनों ही क्रॉश एरिया को सी लिया है इसके ऊपर जैसे ये सीधा रखा है इसके ऊपर आपको उसको उल्टा रखना होगा मतलब दोनों सीधा तरफ एक दूसरे की तरफ फेस करना चाहिए इस हिसाब से आपको अपने कपड़े को रखना होगा जैसे पहला पलरा आपने सीधा रखा है तो दूसरा पलरा आपको उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा तो आप देख रहे हैं दोनों हमारा सीधे तरफ है इस तरीके से रखते हुए आपको साइज सी लेना होगा आपको दोनों को वन अबव दे अदर रखते हुए पहले साइज सीना होगा फिर नीचे का बॉटम का क्रॉस एरिया की नीचे की साइड सी लेना होगा उसके बाद आपको बेल्ट अटैच करना होगा तो बेल्ट आपको किस तरीके से अटैच करना होगा पहले आधा इंच अंदर लेना होगा उसके बाद आपको डेढ़ इंच और अंदर लेते हुए राउंड पोर्शन पे आपको सी लेना होगा राउंड पोजिशन में सीते समय आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा जहाँ से आप इलास्टिक पास कर सकते हैं मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ सबसे पहले आपको दोनों साइड सीना होगा उसके बाद सेंटर का साइड सी लेना होगा उसके बाद आपको बेल्ट अटैच करना होगा बेल्ट आपको इस तरीके से अटैच करना होगा सबसे पहले आधा इंच अंदर फ़ोल्ड करना होगा उसके बाद डेढ़ इंच अंदर फोल्ड करना होगा और राउंड पोजिशन में आपको सी लेना होगा तो आप देख रहे हो मेरा यहाँ प्लाजो रेडी हो गया है मैंने साइड भी सी लिया है सेंटर भी सी लिया है साइड का और उसके बाद हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है बेल्ट आपने थोड़ा सा गैप छोड़ा है जब आप इलास्टिक पास करेंगे तो उसे आपको लॉक कर लेना होगा इलास्टिक पास करने के बाद उसके ऊपर से आपको सिलाई दे देना होगा उसके बाद आपको नीचे के रॉयचिस को भी हेम कर लेना होगा इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए राउंड पोर्शन भी आपको सी लेना होगा इस तरीके से मेरा प्लाजो पैंट रेडी हो गया है सो तो आप देख रहे हो दो मीटर कपड़े में कितना घेरदार प्लाजो रेडी हो गया है फ्रेंड्स तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और कमेंट करके जरूर मुझे बताया कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा देन थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय